अगर आपका एग्रीकल्चर फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एफपीओ के बारे में। एफपीओ का मतलब होता है किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफपीओ कैसे बनाया जाता है, इसके लाभ क्या हैं, इसका शुरुआती खर्च कौन उठाता है, कौन वहन करता है, नाबार्ड और एसएफएसी की इसमें क्या भूमिका होती है, और एफपीओ में हम अधिकतम कितने किसानों को जोड़ सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एफपीओ संगठन सुचारू रूप से चला रहे हैं किसान सतीश कुमार से। सतीश कुमार ने जुनैदी फार्मर प्रोसीजर कंपनी लिमिटेड बनाकर अपनी शुरुआत की। आइए उनसे पूछते हैं कि एफपीओ का गठन कैसे किया जाता है। एफपीओ किसानों का एक ऐसा संगठन है जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है, यानी उत्पादन भी करता है और उसका उपभोग भी करता है। एफपीओ में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए जो कि किसान होते हैं, उसमें से 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी, 5 जो ऐसे होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, बाकी इनकी संख्या 5,000-5,00,000 तक जा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की कंपनी एक्ट में जो संशोधित है 2013-14 उसके तहत होता है। तो एफपीओ बनाने के लिए यानी फार्मर प्रोसीजर कंपनी बनाने के लिए कम से कम 10 किसानों का समूह होना चाहिए। प्रति किसान ₹1,000 देकर शेयर होल्डर बन सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 से 15 होते हैं। एक पद सीईओ का होता है जिसे 3 साल तक नाबार्ड से वेतन मिलता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, जबकि किसानों के पास पहचान पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास आधार और पैन है तो काम हो जाएगा आपका। सतीश जी, आज के समय में किसानों के लिए एफपीओ बनाना जरूरी और फायदेमंद क्यों है? देखिए, एफपीओ से जुड़ने का फायदा बहुत ज्यादा है। जैसे हम घर बैठे, इसका उद्देश्य है कि समय को बचाइए। हम एक पैकेट यूरिया के लिए अगर बाजार जाते हैं, अगर वही हमारे संगठन में एक जगह कम समय लगता है, हम अपने घर में बैठे यूरिया पा ले सकते हैं। हमारा जो उत्पाद है उसको हम एकत्रित करके एक जगह बेच लें, मेरा समय बचता है, मेरा लागत कम आता है और आउटपुट में जो हम लोग का आमदनी है वो एक जगह होता है। कि अगर जब हम संगठन में हैं तो मार्केट मेरे पास आएगा। ऐसे हम एक बोरा एक क्विंटल एक टन बेचने के लिए व्यापारी के पास जाते हैं, मंडी जाते हैं। अगर हमारे पास में 10 टन 20 टन 50 टन उत्पाद हो जाता है तो व्यापारी घर आता है, हमारे पास आता है। अगर संगठन में है तो सब ठीक तरह योजनाओं की जानकारी होती है, कहाँ से लाभ लेना है, कैसे कौन सी योजनाएं सरकार की आई है, ये सारे चीज जानकारी होता है, जिससे लाभ होता है किसानों को। इस जो अनुदान की राशि है तो अगर संगठन में हमको कस्टम हायरिंग मतलब मशीन यंत्र बैंक लेना चाहते हैं जिसमें 90% 80% तक का अनुदान है, मेरे समझ से तो एफपीओ आने वाला भविष्य है। एफपीओ बनाने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एसएफएसी की क्या भूमिका है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग नाबार्ड से हैं, कहीं डायरेक्ट कोई एसएफएसी से, तो होता क्या है कि 3 वर्ष के लिए नाबार्ड सपोर्ट करती है, 5,00,000 रुपया देती है सरकार रजिस्ट्रेशन से लेकर के उसके काम करने के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक्सपोजर विजिट है, जहाँ उसके कंटिजेंसी है उसके उपस्कर के लिए है, वो 5,00,000 रुपया इसमें सीईओ का सैलरी है वो देती है 3 सालों के लिए। फिर अगर देखा जाता है तो उसको 2 साल उसे बढ़ा करके फिर 5,00,000 रुपया देती है। अगर हम काम करते हैं, अच्छा होता है, मेंबर बन गया तो ऐसे किसी आपको ग्रांट के रूप में 5 से 15 लाख रुपया तक मुहैया कराती है, तो उसका न इंटरेस्ट होता है न लौटाना पड़ता है। एसएफएसी और नाबार्ड एफपीओ के शुरुआती खर्चे उठाती है। इसके अलावा प्रशिक्षण और दूसरी किसानी तकनीकों के बारे में जानने वहां जाने के मौके भी देती है। शुरुआती 3 साल हर कदम सरकार से सहयोग मिलता है, यानी सरकार आपको बैंक से सहयोग देती है, यानी पैसा आपको देती है, सैलरी देती है और बहुत सारी चीजें आपको देती है, हेल्प करती है आपकी।
FPO फार्मा प्रोसीजर कंपनी की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट SFACI India SFACIndia.com पर उपलब्ध है। यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहाँ से भी ले सकते हैं SFACIndia.com। मैं अपने किसानों को बता देना चाहता हूँ सर कि देखिए इससे जुड़िए और ये आपके अपने संगठन है, जिस तरह से आप नियम कानून बना करके इसको चलाएगी, सब सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं किया इसे चलाएगी। हम अपने 5-10-20 लोग बैठ करके इसको कैसे दिशा निर्देश करना है, कैसे चलाना है, क्या क्या नियम बनाना, सारा चीज अपने आप करना, किसी के द्वारा थोपा नहीं जाएगा। उसके गाइड थोड़े होते हैं सरकार से, नवाड से, कि इस तरह से काम करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम आपके अपने निर्देश में करना, इसलिए इसमें है सर कि हम करना चाहते हैं कि जो अभी किसान इससे जुड़ना चाहते हैं बेफिक्र जुड़े, इसमें कोई संदेह नहीं है,